हेलो बच्चों, आज हम आपको मैथ्स क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, इसका फर्स्ट थ्योरम है 8.1, वो हम आपके लिए प्रूव कर रहे हैं। देखिए थ्योरम फर्स्ट 8.1, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब गिवन में है, आप पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसका नाम रख दिया है ए बी सी डी, और इसका एक डायगोनल है ए सी, ए सी डायगोनल है, तो इसका यहाँ टू ट्राइंगल्स बन गए हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल ए डी सी है। तो हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, मैंने टू ट्राइंगल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो टू प्रूव हो गया। अब आइए आप प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ देखिए, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं को लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल्स में कितने पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एस 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 यूज कर सकते हैं, तो ए बी साइड इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी ए बी इक्वल टू सॉरी ए डी इक्वल टू बी सी, या बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी सेम अपोजिट साइड ही है। ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स की थ्री साइड इक्वल हो गई, तो बाय एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम या रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। तो हमको यही प्रूव करना था, ये छोटी सी थ्योरम थी, इम्पोर्टेंट है, आप कीजिए।